हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द पार्ट 17 ऑफ चैप्टर फर्स्ट। हम चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 17 में आ गए हैं। पार्ट 16 के अंदर हमने आपको स्टीशियोमेट्री एंड स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आपको कराए थे। आज हम उसी के बेस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे और अगले पार्ट में हम लिमिटिंग रिएजेंट्स एंड एक्सेस रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एक और टॉपिक रह जाता है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। उस टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एज यूजुअल मैं स्टार्टिंग से आपको बताता चले आ रहा हूँ कि आप लोगों को जो भी टॉपिक हो जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंटेक्स क्वेश्चन या कहीं से भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे, वो अटैम्प्ट करते रहना चाहिए जिससे आपको हर एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, और साथ ही मैंने भी आपको हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स कराए हैं। यूजुअली क्लास के अंदर इतने एग्जांपल्स तो नहीं होते हैं, वहाँ पर आप लोगों को करना होता है, लेकिन अभी हम इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में हैं तो इसलिए हमें यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं स्टीशियोमेट्री में। तो एक एग्जांपल हमने लास्ट पार्ट में आपको कराया था, पार्ट 16 में। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल ऑन स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, तो सेकंड एग्जांपल है कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड Fe3O4 ऑन द एक्शन ऑफ 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आयरन की स्टीम के साथ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। आपको पता है जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होती है। 3Fe+4H2 इट विल गिव Fe3O4+H2। 4H2 यहाँ पर आएगा, मैंने ये बैलेंस नहीं किया अच्छे से, लेकिन हमें यहाँ पर रिएक्टेंट को देखना है। अभी प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछा नहीं है, सिर्फ आपसे ये पूछा है कि जो 14.4 ग्राम स्टीम है उसके साथ कितने आयरन रिएक्ट करेगा। तो मैंने आपको बताया था अगर दोनों में अगर आपसे मास बाय मास का रिलेशन पूछ रहा है, मतलब 14.4 ग्राम स्टीम का जो मास है वो आयरन के रिएक्शन से पूछ रहा है कि भाई 14.4 ग्राम स्टीम कितने आयरन से रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले आपने देखा आयरन का जो एटॉमिक मास होता है वो 56 होता है, वाटर का मॉलिकुलर मास 18 होता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको पता है 4 × 18 = क्या हो जाएगा 3 × 56, क्योंकि वाटर का कोफिशेंट कितना है 4 है और आयरन का कोफिशेंट कितना है 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 18 ग्राम वाटर = 3 × 56 ग्राम आयरन। उसके बाद आपने कितने के लिए निकालना है 14.4 ग्राम स्टीम के लिए निकालना है। तो 14.4 स्टीम इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एक के लिए आ जाएगा, फिर एक की मल्टीप्लाई 44.4 से कर देंगे, 14.44 से यू विल गेट द मास ऑफ आयरन। तो यहाँ पर आपने इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 33.6 ग्राम आयरन। तो 33.6 ग्राम आयरन विल कन्वर्टेड इनटू Fe3O4। ठीक है, आया समझ में। आपको सिर्फ कोफिशेंट और उसके एटॉमिक मास का ध्यान रखना है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 3 मोल ऑफ CaO कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के 3 मोल को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मास आपको ऑब्टेन होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे CaCO3 इट विल गिव CaO+CO2। देखो जो भी रिएक्शंस हैं वो आपको खुद ही लिखने हैं, रिएक्शंस कहीं पर भी आपको गिवन नहीं होती हैं, आपको स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए वो इक्वेशन लिखनी होती है, जैसे कि आपने 10th क्लास में सीखा है। अगर 10th क्लास में आपको इक्वेशन लिखनी नहीं आती है यू विल फेस ए वेरी बिग डिफिकल्टी हेयर। ओके, तो आपने लिख दिया यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट के आपके पास मोल्स हैं, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का आपसे क्या पूछा है, मास पूछा है। तो हम यहाँ पे मोल और मास का कन्वर्जन देखते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमने मास निकाल लिया, मोलर मास तो इट इज 56 ग्राम पर मोल। तो आप बताएं
वन मोल ऑफ CaCO3 इट विल गिव 56 ग्राम ऑफ CaO। एक मोल कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम CaO निकलता है, तो तीन मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कितना निकलेगा, 3 × 56 इज इक्वल टू 168 ग्राम CaCO। ठीक है, तो तीन मोल कैल्शियम कार्बोनेट से आपको 168 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन होगा। आगे समझ में, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, जो अब एग्जाम्पल है उसमें मोल कंसेप्ट भी यूज़ होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक इम्प्योर सैंपल है NaCl का, जिसका वेट 1.20 ग्राम है और उसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ AgNO3 से की जाती है। एक्सेस का मतलब होता है AgNO3 को आपको कंसिडर ही नहीं करना है, आपको जो कंसिडर करना है वो NaCl को करना है। जहाँ पर भी अगर किसी सब्सटेंस के आगे एक्सेस लग जाता है तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, जिसका मास आपको गिवन होता है उसको कंसिडर करना होता है। तो जब हम एक्सेस ऑफ AgNO3 की रिएक्शन 1.20 ग्राम ऑफ इम्प्योर NaCl सॉल्यूशन से कराते हैं तो आपको 2.40 ग्राम AgCl मिलता है। तो आपको परसेंटेज इम्प्योरिटी बतानी है, परसेंट इम्प्योरिटी का मतलब है उसमें एक्चुअल मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो पहले आपको एक्चुअल मास निकालना है NaCl का कि उस इम्प्योर सैंपल के अंदर एक्चुअल में NaCl था कितना। तो पहले हमने NaCl और AgNO3 के बीच में रिएक्शन लिखी, तो वो क्या देगा, NaCl प्लस AgNO3 इट विल गिव NaCl प्लस NaNO3। तो आपको AgCl का मास गिवन है, तो पहले हम AgCl का मोलर मास निकालेंगे। AgCl का मोलर मास कितना हो जाएगा, 108 प्लस 35.5 इट विल बी 143.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, और NaCl का मास कितना हो जाएगा, 23 प्लस 30.5 इट विल बी 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आप केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके बता सकते हैं कि 143.5 ग्राम AgCl जो है वो 58.5 ग्राम NaCl से मिलता है। तो 2.4 ग्राम AgCl हमें कितने से मिलेगा, 58.5 अपॉन 143 इंटू 2.4 ग्राम इट विल बी 0.978 ग्राम NaCl। तो परसेंटेज इम्प्योरिटी क्या होती है, एक्चुअल मास जो NaCl का था उसके अंदर अपॉन मास ऑफ सैंपल इंटू 100। तो एक्चुअल मास कितना आया, 0.978 अपॉन 1.20 इंटू 100 एंड यू विल गेट 81.5% मतलब उसकी जो प्योरिटी थी वो कितनी थी, 81.5% NaCl उसके अंदर प्रेजेंट था, बाकी सारी क्या थी उसके अंदर, इम्प्योरिटीज थी। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए ये एग्जांपल आपको बुक के अंदर करना है और उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आपका फिर भी कोई भी डाउट आ जाता है, यू कैन आस्क मी। यू हैव टाइम, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम एट द होम, सो यू कैन ट्राई एज मच एज क्वेश्चन यू वॉन्ट। ओके, तो वी विल मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCO3 नीडेड टू सप्लाई सफिशेंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग 112 लीटर ऑफ CO8 NTP। अब आपको पता है कि भाई NTP पर एक मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर। तो मोल्स ऑफ CO निकाल लेंगे आप, जो NTP पर वॉल्यूम होता है लीटर में, उसको 22.4 से डिवाइड करके आपके पास क्या आ गए, CO के मोल आ गए। और फिर हम क्या करते हैं, CO की बर्निंग की रिएक्शन लिखते हैं। जब भी हम बर्निंग की रिएक्शन लिखेंगे देन यू हैव टू राइट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो CO को बर्न करते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनता है। तो 2CO प्लस O2 इट विल गिव 2CO2। तो इस केमिकल इक्वेशन से आपको पता चल गया कि दो मोल CO जो है वो 1 मोल O2 से रिएक्शन करता है। तो 5 मोल CO कितने से करेगा, 2.5 मोल O2 से करता है। अब आपके पास 2.5 मोल O2 के आ गए, KCLO3 से हमें O2 चाहिए। तो फिर आप KCLO3 का क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे। तो इट विल गिव 2 KCl प्लस 3 O2।
फिर हम क्या करते हैं, KClO3 का आपको मास चाहिए तो इसलिए हमें इसको मोलर मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 39 किसके लिए हो गया, के लिए हो गया, 35.5 क्लोरीन के लिए हो गया, 3 × 16 ऑक्सीजन के लिए हो गया। तो पोटेशियम क्लोरेट KClO3 का जो मोलर मास आ गया वो कितना हो गया, 122.5 ग्राम पर मोल। तो अब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख सकते हैं, जो 3 मोल ऑक्सीजन होता है वो 2 × 122.5 ग्राम KClO3 से रिएक्शन करता है, ठीक है। 3 मोल O2 जो है वो हमें 2 × 122.5 ग्राम KClO3 से मिलता है, तो 2.5 कितने से मिलेगा, 2 × 122.5/3 × 2.5 ग्राम KClO3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 204.2 ग्राम KClO3। तो 204 मतलब 204.2 ग्राम KClO3 से आपको 2.5 ml ऑक्सीजन मिलेगा। फिर वो ऑक्सीजन 112 लीटर NTP पर CO को बर्न करने के लिए सफिशिएंट होगा। तो आप देखिए ये क्वेश्चन कैसा था, आपने दो कंसेप्ट पढ़े, मोल कंसेप्ट और स्टोइकोमेट्रिक, उन दोनों की मदद से ये क्वेश्चन हुआ। तो अब आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यू विल गेट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचना है, कॉमन सेंस यूज़ करनी होती है कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, मोल एंड मास। मोल और मास को किस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको किस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, ताकि आप उसको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी रॉन्ग डूइंग, मीन्स बिना किसी गलती के। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड द एक्सेस रिएजेंट, देन यू विल हैव टू और मोर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। ओके, यू विल हैव टू गिव मी द डाउट्स एंड आई विल गिव यू सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, आप मुझे क्वेश्चंस देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में यहाँ तक आपके जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अभी आप अगर ये पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को समझने के लिए अच्छे से आप हमारे इस चैप्टर के पिछले सारे पार्टों को देखिए, ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बी सेफ, स्टे एट होम, कीप स्टडिंग, थैंक यू।